अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबरू सूरत भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाता है इसलिए बातनी हुसन के साथ अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबरों और रसूलों को ज़ाहरी हुसन की दौलत से भी नवाजा था चुनाचा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए तमाम पैगम्बरों और पूरी नस्ल इंसानियत में सबसे खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत के मालिक हैं अल्लाह ने सुल्तान अरब अजम हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के मिसल न किसी को पैदा फरमाया और न कभी कोई पैदा होगा हुजूर अपनी खूबियों कमालात और ज़ाहरी खसूसियात में ऐसे यकता हैं कि इसमें आपका कोई शरीक ही नहीं है इमाम कुरतुबी ने नक़ल किया है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल हसन व जमाल दुनिया में ज़ाहिर नहीं फ़रमाया अगर हुजूर का मुकम्मल हुसन ज़ाहिर कर दिया जाता तो किसी में हुजूर की तरफ़ देखने की सलाहियत ना होती अल्लाह ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फ़रमाया था दरअसल हुसन सिर्फ रंग की सफ़ेदी जाज़बियत और ज़ाहरी बनावट के खूबसूरत होने को कहते हैं जबकि जमाल पूरी जिस्म के तमाम एजा का दुरुस्त होना और जिस्म के तमाम हिस्सों के परफेक्ट होने को कहा जाता है कि उससे आगे परफेक्शन का कोई तसवुर ही ना हो लिहाजा अल्लाह ने मोहम्मद सल असलम को हुसन और जमाल दोनों में आला तरीन मकाम अता किया था और जिसे हम परफेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हैं इस हकीकत को शायरे लामा इकबाल ने यूं बयान किया है कि दुनिया के हर रंग बू में जहाँ भी नज़र दौड़ाएँ इसकी मिट्टी से जो भी हुसन चमक ज़ाहिर हो रही है वो या तो मोहम्मद अलैहि वसल्लम के नूर से चमक दमक रखती है या अभी तक मोहम्मद अलैहि वसल्लम की तलाश में है अहदीस की किताबों और साहबा कराम के अकवाल से ये पता चलता है कि हुजूर के जिसम मुबारक के तमाम हिस्सों में मुकम्मल तनासब पाया जाता था अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम ऐब और नुख़ से पाक रखा था हुजूर सर से पांव तक एक मिसाली शख्सियत थे साहबा ग्राम हमेशा हुजूर की ज़ाहरी शख्सियत और खूबसूरती की तारीफ़ें मदह और शायरी किया करते थे जो तारीख़ी किताबों में भरी पड़ी हैं जिनमें शायर इस्लाम हजरत हसान बिन साबित रज़ील्ला का एक मशहूर शेर है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा हुसन जमाल वाला मेरी आँखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं हज़रत अबू हुरैरा अनस इबन मालिक अब्दुल्ला इबन उमर काब बिन मालिक जाबिर बिन अब्दुल्लह और हज़रत बुर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तहों ने हजूर की खूबसूरती और जिसमानी बनावट हलिया को जिस तरह बयान किया है अगर इन तमाम रिवायतों और अकवाल को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ हैं हुजूर के जिस मुबारक का रंग गोरा सफ़ेद था गोया ऐसा मालूम होता था कि आपका बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया हो। हुजूर का जिस्म निहायत ही नरम नाजुक था जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी साहबा कहते हैं कि हुजूर के जिस्म की खुशबू से ज़्यादा अच्छी हमने कभी कोई खुशबू नहीं सूँगी यहाँ तक कि हुजूर के जिसम मुबारक से गिरने वाले पसीने को हम जमा कर लिया करते और उसे बतौर अतर इस्तेमाल करते थे लिहाजा हज़रत अनस की वालदा बीबी उम सलीम रज़ील्ला तजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थीं और हुजूर उस पर दोपहर को लेट आराम फरमाया करते लिहाजा आपके जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती फिर उसे एक खुशबू में मिला लिया करती इसलिए हजरत अनस ने वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद मेरे बदन और कफ़न में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर के जिस्म मुबारक का पसीना मिला हुआ हो गुजुर सर के बाल रखना पसंद फरमाते थे आप अलैहि वसल्लम हमेशा पट्टे रखा करते थे कभी आपके बाल आधे कानों तक रहते कभी कानों के लौ तक और कभी कंधों के करीब तक रहते अगर सर के बालों में मांग निकल आती तो उसे रहने देते वरना मांग निकालने की कोशिश फरमाते हुज़ूर अपने सर और दाढ़ी में एक रोज दरमियान देकर कंघा किया करते थे आप अक्सर सर में तेल लगाते और सर पर एक कपड़ा डाल लिया करते आखिरी उम्र तक हुजूर के बाल बहुत कम सफ़ेद हुए थे और आपके दाढ़ी मुबारक में सिर्फ सत्रह अदद सफ़ेद बाल थे इसलिए आपने कभी खिजाब नहीं लगाया अलबत्ता आप कभी कभी मेहंदी का खजाब लगाना पसंद फरमाते थे आपके बाल ना बिल्कुल घुंघराले थे ना बिल्कुल सीधे बल्कि दरमियानी कैफियत के थे हुजूर ने विदा में जब अपने बाल उतरवाए तो वो साहबा में बतौर तब्रुक तकसीम हुए बीबी उम सलमा ने उन बालों को एक शीशी में रख दिया था और जब किसी शख़्स को नज़र लग जाती या कोई मर्ज होता तो आप उसी शीशी को पानी में डुबो देती थी और उस पानी से शिफा हासिल हो जाती हुजूर का चेहरा मुबारक नहायत ही पुरनूर और खूबसूरत था ना ज्यादा गोल था और ना ज़्यादा फूला हुआ आपके दांत मुबारक आबदार मोतियों के मानंद थे जो सफ़ेद चेहरे के साथ चमकते तो याकूत के मोती की तरह लगते थे हुजूर की आंखें बड़ी सयाह और सुरमगी थी जिनमें सुरख डोरे तैरते दिखाई देते जब हुजूर की तरफ कोई नज़र करता तो यूं समझता कि आपकी आँखों में सुरमा लगा है जबकि आपके आँखों में सुरमा मौजूद न होता था पेशानी मुबारक कुशादा थीं भूएँ बारीक और घनी थीं और दोनों भुएँ इस कदर करीब थीं कि दूर से दोनों मिली हुई मालूम होती थीं और उन दोनों भुं के दरमियान एक रग था जो गुस्से के वक्त उभर जाता था आँखों की पलकें घनी और दराज थीं अल्लाह ने हुजूर को ऐसा मुआजा अता फरमाया था कि उन मुकद्दस आँखों से आप एक ही वक्त में आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दिन रात अंधेरे उजाले में भी यकसा देख लेते थे हुजूर की नाक निहायत ही खूबसूरत ऊंची और खुमैदा थी नाक की बुलंदी से इस पर नूर चमकता मालूम होता था हुजूर के मुबारक कान में भी मौजाना शान थी आप खुद इर्शाद फरमाया करते कि मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं देखता और उन आवाज़ों को सुनता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं सुनता प्यारे नबी की रुखसार मुबारक नर्म और नाजुक थे यहाँ तक कि आप जब गुफ्तू करते तो आपके दोनों गाल हमवार हो जाया करते हुजूर की गर्दन मुबारक नहायत ही मतदल सुराहीदार और सडूल थी जो खूबसूरती और सफाई में नहायत ही बेमिसल थी हुजूर की मुक़द्दस हथेलियाँ चौड़ी गोश्त से भरी हुई कलाइयाँ लंबी, बाजू दराज जबकि हथेलियाँ नहायत ही नरम नाजुक थे जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी चुनाचा जिस शख्स से आप मुसाफा फरमाते वह दिन भर अपने हाथों को खुशबूदार पाता हुजूर का शिकम और सीना मुबारक दोनों हमवार और बराबर थे सीना चौड़ा था और मुकद्दस छातियाँ और पूरा शिकम बालों से खाली था अलबत् कंधों और कलाइयों पर कुछ बाल मौजूद थे आप ना ही ज़्यादा लंबे कद वाले थे और ना ही छोटे कद के बल्कि आपका कद मयाना था लेकिन जब हुजूर किसी लंबे कद वाले शख्स के साथ चलते तो उससे भी बुलंद नज़र आते आप अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर रोशन और पुरनूर था कि मुसलसल देखने पर आंखें चुंदिया जातीं चेहरा अथर सूरज की तरह रोशन था और कोई शख्स भी आपकी तरफ नज़र भर कर न देख पाता हज़रत जाबिर का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह को एक मरतबा चांदनी रात में देखा उस वक्त हुजूर एक सुर्ख धारी दार चादर उड़े हुए थे मैं एक मरतबा चांद की तरफ देखता और एक मरतबा हुजूर के चेहरे को देखता यहाँ तक कि मैंने फ़ैसला किया कि चेहरा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत था मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि मिस्र वाले अगर मेरे महबूब के रुखसार मुबारक के औसाफ सुन लेते तो हज़रत यूसुफ़ की कीमतें लगाना भूल जाते और जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर मेरे महबूब की पेशानी को देख लेती तो हाथों के बजाय अपने दिल काटने को तरजीह देती दरअसल हज़रतूसफ्लम और दीगर हसीनों का हुस्न हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के हुस्न की एक खैरात है हाफिज़ इब्न हजर लिखते हैं कि हर ईमान वाले का ये अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी आपकी तरह तख्लीक नहीं फरमाया है और न आपके बाद कोई आपके मिसल पैदा होगा किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो ये तस्लीम न कर ले कि हुजूर की ज़ात ज़ाहरी और बातनी कमालत हर इंसान से बढ़कर है